अमेरिका प्रवास पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका प्रवास कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा। मैं श्री राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है या परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वह जनता के आशीर्वाद से फैसला होता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज का जो उनका बयान है, उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दिया है, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठा दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठा दिया है। कोई भारत माँ का सपूत भारत के बाहर जा करके भारत के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता है। और इनकी भाषा निश्चित तौर से देश विरोधी भाषा है। और कांग्रेस के जो बड़े बूढ़े हैं, अगर उनको लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दुनिया के किसी मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार के भाषण देने, इस प्रकार की बयानबाजी करने से रोके, जिससे देश की बदनामी होती है। और जिस प्रकार से उनके बयान देख रहा हूँ, मुझे तो एकदम आश्चर्य लगता है कि कैसे भारत के विरोध में जा करके, भाजपा के विरोध में, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में वो विदेश में बोलते। उनको जो कुछ बोलना है, 2024 का चुनाव है सामने, आकर के भारत की जनता के बीच में बोलें, भारत की धरती पर बोलें, लोकतंत्र की ताकत यहाँ दिखावें, जाकर के दुनिया में देश को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।